होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए बच्चों देखो, आपके पास कोई एक चार्ज है क्यू प्लस क्यू कूलम का, कोई आपके पास चार्ज है, तो इस पर कूलम का फोर्स लगता कब है कि इससे आर डिस्टेंस पे कोई एक दूसरा चार्ज क्यू नॉट रखा हो, या अगर ये क्यू वन हो तो क्यू टू रखा हो, या सेम चार्ज हो तब भी फोर्स लगेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है तो हम यहां पर क्यू नॉट को नहीं रखेंगे। तो एक बात हमें भी पता है कि यहां जैसे ही इस पॉइंट पी पर जो कि इस प्लस क्यू से आर डिस्टेंस पर है, जैसे ही कोई चार्ज आएगा प्लस क्यू नॉट या क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री या माइनस में भी आए कोई दिक्कत नहीं है, तैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा जिसे कूलम का नियम कहते हैं। अब देखिए जब ये चार्ज नहीं है तो यहां पर एक क्षेत्र बन रहा है। अब अगर इधर आर है तो इधर भी आर दूरी पर उतना ही बल लगने लगेगा, इधर भी आर दूरी पर उतना ही बल लगने लगेगा, ऐसे ऊपर भी आर दूरी पर उतना बल, यानी कि इसके चारों तरफ 3D में चारों तरफ एक काल्पनिक क्षेत्र बनेगा। उस काल्पनिक क्षेत्र के अंदर जैसे ही कोई चार्ज आप इंटर कराएंगे उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। तो वही जो काल्पनिक क्षेत्र है उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन होगी किसी आवेश के चारों तरफ का वह काल्पनिक क्षेत्र जिसके अंदर किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह अपने ऊपर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक बार रिपीट करेंगे, प्लस क्यू से पी एक पॉइंट है जो इस प्लस क्यू से आर दूरी पर स्थित है। अब आर दूरी पर जैसे ही आप कोई एक चार्ज लेके आओगे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इधर भी किसी भी तरफ जाओ आप आर डिस्टेंस पे उतना ही फोर्स लगेगा। अब जब तक कोई आवेश नहीं है तो हम जानते हैं कि इस आर दूरी पर इसका एक बॉर्डर है, क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में जैसे हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे उसके ऊपर एक बल लगने लगेगा। और वही क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, जिसके अंदर कोई आवेश लाओ और उसके ऊपर बल लगने लगे, उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू फोर्स लगने वाला है किस पर, क्यू नॉट, ई इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब यहां से आप चाहें तो अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं, क्यू नॉट की वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाए तो आप कहेंगे कि 1 कूलम के आवेश पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कहते हैं। इसकी यूनिट होगी, एफ की यूनिट है आपका न्यूटन और कूलम होगा इसका आवेश का, तो इसकी एक यूनिट है न्यूटन बाय कूलम, या इसकी एक दूसरी यूनिट और भी है वो है वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, वोल्ट बाय मीटर। इसको आप चाहे तो विमीय विधि से सिद्ध भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि न्यूटन बाय कूलम और वोल्ट बाय मीटर किसी एक ही राशि के मात्रक हैं। कुछ नहीं करना है, आप न्यूटन बाय कूलम की विमा निकालिए, न्यूटन को विमा और डिवाइड कर दीजिए कूलम की विमा 80 से, न्यूटन यानी कि MLT की पावर -2 और डिवाइड कर दीजिए उसी में 80 से, और इधर विभव वोल्ट की विमा में डिवाइड कर दीजिए मीटर दूरी की विमा L से, सॉल्व करेंगे दोनों साइड इक्वल आएगी, मीन्स न्यूटन बाई कूलम और वोल्ट बाई मीटर दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। इससे वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेफिनेशन नोट करना चाहें तो मिटा, पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दें। इसके बाद एक डेरिवेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हिंदी में कहेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र।
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमारे पास कोई एक प्लस क्यू कूलाम का बिंदु आवेश है जिसके कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो डेरिवेशन में आप ऐसे लिखेंगे, माना कि प्लस क्यू कूलाम का कोई विद्युत आवेश है जिससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर, जिससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। लिखने का सेंटेंस यही होगा, माना कि प्लस क्यू कूलाम का कोई एक बिंदु आवेश है जिससे स्मॉल आर मीटर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे, हम एक धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लेके आते हैं, कौन से बिंदु पर, पी पर। जैसे ही आप इस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को लेके आएंगे, इसके ऊपर एक कूलाम्बिक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो कूलाम का बल लगेगा उसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इनटू Q नॉट और डिवाइड बाय R का स्क्वायर। ये इतना फोर्स लगेगा। अब आप जानते हैं डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। समीकरण एक में Q नॉट को डिवाइड कर दीजिए, E इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर और पूरे में Q नॉट से डिवाइड करिए, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, आपको मिल गया E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो ये व्यंजक था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया। नोट करिए, क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। सिंपली आपसे कह दिया जाए कि 5 माइक्रोकूलाम के आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 माइक्रोकूलाम के आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान ज्ञात करिए। क्या करेंगे आप, E इज इक्वल टू आपके पास एक फार्मूला है 1/4πε0 Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखिए E इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 9.10⁻⁹ Q की वैल्यू 5, माइक्रो कूलाम है तो कूलाम में बदल लीजिए 5×10⁻⁶ और डिवाइड बाई R 30 सेंटीमीटर है। देखिए 30 सेंटीमीटर है तो R इज इक्वल टू 30/100 मीटर, इसको लिख सकते हैं 30/10⁻² मीटर और 30×10⁻²  मीटर। यानी कभी भी आपको सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई हो और आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 से भाग, सारी बातें एक ही हैं, 10⁻²² से गुणा करिए, मीटर में बदल गया। तो R की वैल्यू इसे लिख सकते हैं 3×10⁻¹, तो 3×10⁻¹ का होल स्क्वायर। देखिए 9×5×10⁻⁹ माइनस हो गया, बचा 3 और डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 और × 10⁻², 9 से 9 कैंसिल हो गया, वैल्यू मिल गई 5×10⁻⁵, ये ऊपर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 3 और 2 मिलकर 5 न्यूटन बाई कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र की वैल्यू थी। तो इस पे न्यूमेरिकल्स लगाइए, आपको जो डाउट्स हो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सिस्टम, यानी कि इस पी पॉइंट के आसपास कोई एक चार्ज क्यों ना हो, Q1, Q2, Q3 कई चार्ज हो, तब कितना फोर्स होगा, सुपरपोजिशन थ्योरम से उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और उसमें न्यूमेरिकल्स भी काफी अच्छे अच्छे होंगे, ज्यादातर वही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इस आवेश से आर मीटर दूरी पर कोई दूसरा आवेश रखा है तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा।